नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना ही YouTube चैनल एंजल टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, देखेंगे सीखेंगे कि इसमें कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और हमें कल कौन से लेवल पर ट्रेडिंग करनी है। तो उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी हमारे दोस्त जो भी नए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में ये देखिए, आज जो है कल का जो है लो ब्रेक किया, कल का लो ब्रेक करने के बाद कल का जो लो था वो हम देखते हैं यहाँ पर। कल का लो था 30,227 का। तो 30,227 का लो ब्रेक करने के बाद आज जो है इसने लो लगाया है, वो लगाया है 30,091 का। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो आज का अपना कल का जो भी प्रीवियस हाई और लो था, उसके जिस भी तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, अगर ये ऊपर की तरफ आप ब्रेक करता है तो इसमें आप 100 से 150 पॉइंट के लिए ऊपर में ट्रेड कर सकते थे। और मैंने ये बताया था अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप इसमें जो है 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ जो है इसमें ट्रेड किया जा सकता था, जिसमें आज हमने 100 से 150 पॉइंट जो है इसमें प्रॉफिट भी बनाया। तो आइए जो है हम बात करते हैं इसमें बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो है अभी बिल्कुल साइडवेज ही चल रहा है। एक्सिस बैंक जो है उसका ये जो है ये लेवल इम्पोर्टेंट है जो मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है 730 रुपये पर नियर अबाउट। तो एक्सिस बैंक के लिए सेकंड जो है हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन जो है हम यहाँ ऊपर से ड्रॉ करते हैं ये। तो अभी तो ये लेवल वैसे काफ़ी ऊपर है। तो कल के लिए हमारा जो इसमें ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो, अगर मैंने कल भी आपको इसमें बताया था कि 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब इसमें ट्रेड लीजिए, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मैंने बताया था, सॉरी मैं कि ये ट्रेंड एंड जो है डिलीट कर देता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपको बताया था कि अगर जो है आज जो ये जो कैंडल हमारी कल की जो कैंडल बनी हुई है उसका हाई था 103.75 रुपये। अगर आज के डेट में मैंने आपको ये बताया था 103.75 रुपये अगर ये क्रॉस करता है तब इसमें जो है ऊपर के लिए जो है ट्रेडिंग की जा सकती है और इसका लो ब्रेक होने पर जो है नीचे की तरफ ट्रेडिंग की जा सकती है। बट आज हमारा इसमें कोई ट्रेड बना ही नहीं क्योंकि ना इसने ऊपर का लेवल ब्रेक किया और ना ही इसने नीचे का लेवल ब्रेक किया। तो कल के लिए अब ये देखिए इसने जो है बहुत अच्छा एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। तो शूटिंग स्टार कैंडल को जो है अब हम कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान जो रहेगा वो इसके नीचे रहेगा अपना 101 के नीचे। तो 101.30 रुपये के नीचे जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है तो उसमें जो है हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 100, पहला टारगेट रहेगा 100 रुपये का और जो है सेकंड टारगेट जो है सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 98 का। तो इसको जो है कल इसका जो है लो ब्रेक होने के बाद इसमें जो है ट्रेड बनाए। नेक्स्ट हमारा जो है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक जो है ये इसमें देखते हैं, इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारा आ गया। तो आज फेडरल बैंक में जो है आज बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिली है। तो ये देखिए जो है यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से पूरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि आपको थोड़ा लेवल भी ड्रॉ करना कुछ आ जाए। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक कर रहा था। तो कल को मैंने आपको बताया था, सॉरी मेरे जो मैंने चार्ट जो है कल ड्रॉ करके रखे थे वो मेरे डिलीट हो गए, दूसरे पीसी में है। तो मैं आज ये वीडियो जो है दूसरे पीसी में बना रहा हूँ तो इसलिए जो है वो पैटर्न जो है ड्रॉ नहीं किए हुए हैं। तो मैंने कल को आपको बताया था कि कल को अगर ये लेवल ब्रेक करता है, आज का हाई ब्रेक करता है तब तो इसमें हमको लॉन्ग किया जा सकता है, अगर इसका लो ब्रेक करता है तब हमने इसमें जो है शॉर्ट बताया था। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब कल जो है कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान ऐसा रहेगा कि अगर कल इसी फ्लो में कल ये चला, इसी फ्लो में अगर कल को ये ट्रेड करते रहा और कल जो है आज का हाई ब्रेक करता है तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 83 रुपीज़ का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो रहेगा 82 का लेके चलिए 83 और 82 रुपीज़ के हमारे इसमें टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक तो जो है
10-12 दिनों से अपने एक ही लेवल पर जो है ये ट्रेड कर रहा है, ये ना वो लेवल को तोड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। तो इसमें अभी आप वेट एंड वॉच वाली जो है सिचुएशन बनी हुई है। वैसे इसमें जो है ड्रैगन फ्लाई कैंडल, कभी ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना रहा है, कभी हैमर टाइप की कैंडल बना रहा है, तो फिलहाल अभी इससे दूर रहे जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो। अगर ये जो है इसमें 1225 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें आप जो है एक शार्प मूवमेंट देख सकते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी अगर यहाँ पर 1250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ भी जो है हमारा पहला जो है टारगेट आएगा 1265 रुपये का, और सेकेंड टारगेट जो है 1275 रुपये का आने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो है ICICI बैंक, तो ICICI बैंक भी जो है ये देखिए ये भी अपने लेवल पर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है हायर लेवल पे। तो ये देखिए मैं इसमें एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, और ये एक नीचे की तरफ, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है एक ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो डंडा भी लगा दूँ क्या दोस्तों, झंडे में डंडा लगाना जरूरी है ना। ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न हमारा ICICI बैंक जो है बना रहा है। तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सॉरी हाँ ICICI बैंक में अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो एक जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ले रहा है 473 के स्टॉक पर। तो अगर हमको अगर कल कुछ अगर ट्रेडर इसमें अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आज के लो के नीचे जो है ट्रेड कर सकते हैं, बट इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। पहला टारगेट मेरे हिसाब से 464 पर बुक कर लीजिएगा, और सेकंड टारगेट जो है 462 पर इसमें बुक कर लीजिएगा। ICICI बैंक में वैसे अभी तो ट्रेड ना कीजिए तो ठीक है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दीजिए, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दे के जाएगा। जैसे मैंने आज भी अपना टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक डाला था, बजाज फिंजर में भी जो है एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था, तो बजाज फिंजर में हमने कंटिन्यू 3 दिन ट्रेड किया है और 3 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो जो है पहले पैटर्न बनने दिया करिए, पैटर्न बनता है पैटर्न का ब्रेकआउट है तो उसके बाद ट्रेड लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो है बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट हमको मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ IDFC बैंक। IDFC बैंक जैसे मैंने कल को बताया था कि इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, तो इसमें प्रेफर मैंने किया था डाउन साइड में ही, तो हमारा जो है वो बिल्कुल सही निकला अंदाजा हमारा जो है। ये देखिए कल का जो है कल का जो लो लगा हुआ था वो 43.50 रुपये था, और इसका जो आज का लो लगा है वो लगा है 42.70 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 1.50 रुपये की प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि इसमें 50 पैसे का प्रॉफिट भी आपका जो है काफ़ी हो जाता है, लमसम 1.25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें जो है आज ये 2-2.5% का प्रॉफिट हमको इसमें जिस भी दोस्त ने मेरे ट्रेड लिया होगा उसको इसमें हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी मैंने सेम वही बताया था कि इसमें भी जो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही थी, तो इसको भी मैंने जो है इसके नीचे ट्रेड करने के लिए बोला था। सॉरी मैं कि ये लैंड डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तो मैंने आप लोगों को एडवाइस किया था कि इसके जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है उसके नीचे ट्रेड कीजिए। तो ये देखिए जो है इसने इसका लेवल ब्रेक किया, और जो है आज का लो जो इसने लगाया 1315 रुपये का। तो अब जो है अब इसमें जो थोड़ा सावधान हो जाइए, नीचे से ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब मुझको लगता है कल की डेट में ये ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक टच कर सकता है। टच करने के बाद फिर जो है यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर हमारा जो है हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट जो है निकल के आएगा वो 1290 रुपये का, और अगला टारगेट जो है निकल के आएगा वो 1260 रुपये का होगा। नेक्स्ट हमारा है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने जो है कोटक बैंक में भी जो है आज जो है काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसमें मैं ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो है हमारा प्रीवियस लो का लोअर लो जो लगा था। ये देखिए आज इसने जो है इसका लेवल टच कर नियर अबाउट इसके नज़दीक पहुँच गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से कल यहाँ पर जो है एक छोटी सी डोजी कैंडल बननी चाहिए। डोजी कैंडल अगर बनती है ठीक है, अगर नहीं बनती, अगर इसी फ्लो में चले गया तब इसमें अभी ज़्यादा हम डाउनसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसमें हम 1533 रुपये जो है अगर कल का लो ब्रेक करता है तो हम इसे 1533 रुपये का लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कल को एक डोजी बननी चाहिए। डोजी बनने के बाद अगर इसको बाउंस बैक लेना है तो यही इसके लिए बिल्कुल सही जगह है। अदरवाइज अगर इसको नीचे आना है तो इसका पहला टारगेट 1533 रुपये होगा, और नेक्स्ट टारगेट जो है निकल के आ रहा है 1514 रुपये। तो
आप लोग जो है टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहें, लॉस छोटा ले प्रॉफिट बढ़ा ले, और जो है पहले प्रॉफिट को लॉक करना सीखें। प्रॉफिट को अगर मान लीजिए आपको 1% प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अपना उस प्रॉफिट को बुक करना सीखें, उसको घर पर ले जाना सीखें। उस प्रॉफिट को आप क्या करें, अब जैसे आपको 1% प्रॉफिट आपने देखा कि हाँ जैसे ही आपका टर्मिनल जो है ग्रीन में आ गया, आप अपना जो है स्टॉप लॉस उठाकर जो है अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख दें। उससे ये होगा कि आपका कम से कम जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो कम से कम आपका लॉक हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो है यह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का आज हमारे जो है जो भी कल हमने लेवल बताए थे नियर अबाउट, सारे ने बहुत अच्छे से वर्क किया है। पंजाब नेशनल बैंक में भी जो है आज काफ़ी मंदी देखने को मिली है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें भी जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, तो अगर ये इसके ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो आप इसमें ऊपर का टारगेट, ऊपर का मैंने इसमें 2 रुपये का टारगेट बताया था। और मैंने ये बताया था कि अगर इसको जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है इसका अगर लो ब्रेक करता है तो आप इसमें डाउनसाइड, मैंने इसका टारगेट वैसे बताया था आपको 65 रुपये, बट इसका जो है आज लो लगा है वो लगा है 64 रुपये 25 पैसे का। तो कल भी आप जो है ये देखिए ये जो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर कल भी ये इसी फ्लो में चलता है, सॉरी कल भी अगर ये इसी फ्लो में चलता है तो हम इसमें जो है अपना जो है 63 रुपये 75 पैसे का, और नेक्स्ट जो है अपना टारगेट वो 61 रुपये 25 पैसे का इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ये देखिए, आरबीएल बैंक भी सॉरी मेरे मैंने ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह कल मैंने डिलीट कर दी थी वो मेरे दूसरे पीसी में है, तो इसमें मेरे को अब दोबारा करना पड़ रहा है, तो वो पीसी मेरे ऑफिस में है। एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने घर पर शूट कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसमें भी मैंने कल आपको बताया था कि ये जो है अपना 325 रुपये का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी इसको निकालना निकालेगा, बट अभी कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू 2 दिनों से जो है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा था, तो आज भी इसने जो है एक पैटर्न ये बनाया है, ये बुलिश एंगल बियरिश एंगल्फिंग टाइप का जो है पैटर्न बनाया है। बट मेरे हिसाब से जो है अभी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये 3-4 दिन सस्टेन करेगा, 3-4 सस्टेन करने के बाद अगर ये 325 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसमें ध्यान रहे, जैसे 325 का लेवल ब्रेक करे आप इसमें एंट्री लीजिए और इसमें जो है आप जो है थोड़े छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए। नेक्स्ट हमारा जो है SBI बैंक। तो SBI बैंक ये देखिए, ये जो लेवल मेरा ड्रॉ किया हुआ है 315 रुपये पर ये मेरा लेवल ड्रॉ किया हुआ था, और इसमें भी वैसे कल शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तो इसमें भी मतलब कल तो सारी सिचुएशन सेम ही बन रही थी कि हाई ब्रेक कर रहा है तो ऊपर लीजिए, लो ब्रेक कर रहा है तो नीचे लीजिए। तो जो है इसमें लो नहीं ब्रेक किया और इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद जो है 319 से इसमें 300 कितने का हाई लगा है मेरे भाई, 322 का, तो 3 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो 3 रुपये प्रॉफिट भी बहुत होता है मेरे दोस्तों, 3 रुपये 300 का स्टॉक में 3 रुपये का प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट आ गया, और क्या चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट इसमें बुक करते रहें, सिग्नल जो अपना टर्मिनल है कभी उसको रेड में ना जाने दें, क्लोज अपना ऑलवेज ग्रीन में ही क्लोज करें। तो यस बैंक, यस बैंक भी अब क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो गई थी, इस दिन इसने जो है 35% की जो है मूवमेंट दी थी, तो अब जो है 35% की मूवमेंट देने के बाद जो है अभी इसने जो है मेरे हिसाब से ये जो है 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन अभी ये जो है अपने लेवल पर यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, और अपने लेवल पर सस्टेन करने के बाद उसके बाद जब ये 78 जब इसका जो हाई लगा था, इसका हाई लगा था 78 रुपये 70 पैसे, तो ये 80 रुपये का लेवल जब क्रॉस करता है तब इसमें जो है पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की नहीं, बाकी जो मैंने आपको जो भी लेवल दिए हैं वो सारे इंट्राडे के दिए हैं। और आज मैंने जो है टेलीग्राम पर मैंने 2 स्टॉक डाले थे, तो उसमें से एक PBR मैंने सेल साइड में डाला था, तो वो भी काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म करके गया, तो उसमें भी हमने जो है नियर अबाउट 10 से 15 मिनट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। और सेकंड हमने SRF को लॉन्ग करने के लिए दिया था, तो SRF भी जो है स्टार्टिंग के 5-10 मिनटों में ही काफ़ी अच्छी मूवमेंट करके हमें प्रॉफिट दे गया था। और थर्ड हमारा था बजाज फिंजर्व, जिसमें बजाज फिंजर्व में हमने आज मार्केट ओपन होते ही, जस्ट ओपन होते ही 9:15 पर ही ट्रेड डाला था और 9:16 पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अब जो है बैंक निफ्टी की आइए हम देखते हैं बैंक निफ्टी कल हमको कहाँ पर हम बाइंग और कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है अब ये जो है ऊपर जो है ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, जो ये ऊपर से आ रही ट्रेंड लाइन, तो अब इसमें जो है अभी इसको इसके लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि अब यहाँ पर ये 2-3 दिन सस्टेन करे, 2-3 दिन सस्टेन करने के बाद जब ये लेवल निकालता है 30,830 का,
30,800 के ऊपर मतलब सस्टेन करने लग जाए, 30,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें जो है हम काफ़ी जो है अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जो है हमको अपसाइड जाने कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो है अभी क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से बियरिश कैंडल ही जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि जो है कल भी हमने जो कैंडल देखी है वो शूटिंग स्टार देखी है, और आज हमने जो कैंडल देखने में लग रही है बियरिश एंगलफिंग टाइप की कैंडल लग रही है। तो अभी इसमें बाइंग पोजीशन बिल्कुल ना बनाएं। इंट्राडे में अगर छोटे छोटे पोजीशन बनाते हैं बाइंग के लिए, अपना कॉल वगैरह लेते हैं, पुट वगैरह लेते हैं, तो जो है कॉल वगैरह पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, और जो है जैसे ही ये स्टॉक आप अपने रेजिस्टेंस पे मिलता है तो इसको सेल करिए, क्योंकि सेल करने में जो है काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक नीचे बैंक निफ्टी नीचे आएगी, और जैसे आप बाय करते हैं तो बाय करने में जो है आपका स्टॉक जो है बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और क्योंकि अब जो है एक्सपायरी भी आने वाली है, तो एक्सपायरी के नज़दीक जो है जो भी प्रीमियम होंगे वो बहुत जल्दी जो है डीके होंगे, तो उसका ध्यान रखिए। और अपने मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को नया देख रहे हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।